शहीदी एम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव का शहीदी दिवस जहां आज पूरे देश में मनाया गया, वहीं लुधियाना में भी जगराओं पुल स्थित शहीदों की प्रतिमाओं पर विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के नेताओं व प्रतिनिधियों ने आकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर विशेष तौर पर यूथ अकाली दल लुधियाना शहरी के प्रधान गुरदीप सिंह गोशा, बलजीत सिंह छतवाल, अकाली नेता सोन सिंह गोगा व कांग्रेस के सीनियर लीडर के बाबा ने विशेष तौर पर हाजिरी भरी वे शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेनती करांगा कि सानू तुहाडे तों बहुत उम्मीद है, क्योंकि लगातार 86 साल हो चुके उन्होंने शहीद होए। 1931 के 23 मार्च में शहीद होए थे, उन्होंने फांसी का रस्सा उन्होंने खुशी खुशी ने चुमया सी देश वास्ते, ते अज उन्होंने कौमी शहीद का दर्जा नहीं दिता गया अज तक भी। पहला सरकार तो सानू उम्मीद नहीं सी, तुहाडे तों उम्मीद है। उम्मीद करते हैं तुसीं साडी आवाज़ मीडिया राही तुहाडे तक पहुँचेगी, तो तुसीं इस गल ते गौर करके उन्होंने कौमी शहीद का दर्जा दवाया जाए। मैं समझदा अज दे नौजवान नू जरूर शहीदी दिहाड़ियां ते जां इन्हां दिनां ते जरूर सेध लैनी चाहीदी है कि उह शहीद फांसी दा रस्सा चुम के अपने गल च पा के फांसियां दे के देश नू आजाद कर गया है, लेकिन वह आप तुर गया है, लेकिन सानू उन्हां दी सोच नू जिंदा रखना पैना है। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बीड़ा चुकया कि मैं नशे खत्म करने हैं, करप्शन खत्म करनी है, पंजाब दे लोकां नू सही राज देना। मैं समझदा ये शहीद आजम भगत सिंह जी दे सुपनिया दा राज होएगा। अज दे समय ते सारयां नू प्रण लेना चाहिए कि असी अपने आप नू नशा मुक्त करिए, असी आप करांगे अपने तो अगे तुरीए और सारे देश नू नशा मुक्त कराइए, और नौजवानों नू सही सेध यही है कि वह अप नशा छड के चंगियां कमां वल लगन, खेडां वल लगन और देश की तरक्की वल लगन। जागती लड़के लिए लुधियाना से कुलबीर राही के साथ सुरेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।